हेलो BTS आर्मी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते ही होंगे कि दो दिन पहले RM का ब्लॉग आया था बेंटन टीवी यूट्यूब चैनल पे, तो आज की वीडियो में मैं आप सबको उस ब्लॉग के कुछ बेस्ट मोमेंट्स बताऊंगी। अगर आप लोग को देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि RM अपने ब्लॉग वीडियो में स्विट्जरलैंड गए थे, अपने ब्लॉग वीडियो में अपने फ्रेंडशिप टैटू को भी दिखाया, आप देख सकते हैं। और फिर RM आर्ट बेसिल पे गए थे घूमने के लिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। यहाँ कहाँ है? यहाँ इसे आत्माजले इसे 퀘스트 여기가 홀 1, 여기가 홀 2라고 해서 여기 디자인 마이애미라서 가구 페어가 열리고 저쪽에는 이제 메인 아트 페어가 열리고 아마 여기가 얼리민티드라고 해서 크게 여러 가지 작업들이 열리는 곳인 것 같아요. 여기도 작업이 있는데 아 모레스와이너다 모레스와이너 그 봤던 거 어딘지 모르겠다 작업. 가수 피카소 더 호사 더 큐 한참 찾았네 한참 और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि RM को नेचर कितना पसंद है, इसलिए वो लेक के किनारे भी घूमने गए थे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं।안녕하세요. 지금 여러분들은 그 유명한 뮤놀이 새끼를 보고 계십니다. 제일 제일. 야, 너 크게 될 거야 나중에 비숙지 마니. फिर RM बीजी माउंटेन भी गए थे घूमने के लिए, जहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू था। मतलब मजा नहीं है, हम जीगी नहीं है। इगी मन इगी समझ में को 지금까지 좀 어떻게 해주세요? 야, 잠깐만, 좋아 보러야. 네, 안녕하세요. 저 지금 이제 대관령에 도착했고요. 굉장히 많은 교통수단이 발달한 바람에 드디어 강원도에서 산악열차가 들어섰다고 하는데 지금 이제 여기가 얼핏 RM의 보트에 트래블 키야. 산악열차 타고 가서 트레킹으로 걸어 내려오다가 다시 케이블카를 탄 다음 유람선을 타고 다시 SDB를 타고 돌아갈 계획입니다. 한 7개 되는 것 같아요. तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।